गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड वेलकम और वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो गाइस, कैसे हो आप सब? अभी मैं यहाँ जंगल में खड़ी हुई हूँ। तो अपने बाल देखी थी एक्चुअली कैसे लग रहे हैं। आज मैंने ना बहुत ज़्यादा सिंपल सी ब्रेड करी है और अभी यहाँ ना मैं आपको आवाज़ सुना रही हूँ। हमेशा जंगल में इंसेक्ट्स की आवाज़ सुनाती रहती हूँ मैं आपको गाइस। तो गाइस क्या था ना कि चलो ब्लॉग की शुरुआत कर देते हैं। आज क्या हुआ ना, सुबह गुगली हो गई हमारे साथ, जैसे मेरे हबी लेने आ गए थे हमें फ्राइडे को, और कल सैटरडे था तो हम लोगों ने शाम को हम डलौजी चले गए थे रात को, मैं और मेरे हबी सिर्फ घूमने के लिए वैसे ही, है ना। और आज हमने पूरी पैकिंग कर ली थी, मॉर्निंग में सब कुछ कर लिया था। हेलो तो हमने मॉर्निंग में सारी पैकिंग वगैरह कर ली थी, सारा कुछ कर लिया था, लेकिन हुआ क्या कि एकदम से सडन प्लान बन गया कि हम लोग आज स्टे कर लेते हैं और हम लोग खजियार चले जाते हैं। क्योंकि जब से मैं यहाँ पे आई हूँ ना, मेरा बस यहाँ पे खजियार जाना और भले ही माता जाना रह गया था। क्योंकि जब भी मैं यहाँ पे आती हूँ ना तो भले ही माता टेम्पल ज़रूर जाती हूँ, और वो हमारे घर से कुछ किलोमीटर्स ही दूर है, लेकिन नहीं जा पाई यार। बट कोई बात नहीं, कभी बीच में आई तो मैं ज़रूर जाऊँगी। स्पेशली दूसरी चीज़ ये थी क्योंकि ना अभी हमारे चक्कर बहुत लग रहे थे, कभी चंबा जा रहे थे, कभी यहाँ 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 करते करते खजियार रह गया था। फिर हमने प्लान किया कि यार आज रहने देते हैं और कल मॉर्निंग में निकलेंगे। फिर ये मान गए और हम लोगों ने प्लान कर लिया। हमने सोचा चलो पिकनिक मना के आते हैं। तो हमने क्या किया कि सारे रेडी हो गए और हमने पुलाव वगैरह बना लिया था, और बस एक बैग में पुलाव, चिप्स, बाकी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह वहाँ सब मिल जाता है ना। तो हमने कहा कि चलो बाकी बेडशीट्स नीचे बिछाने के लिए ले ली, हम लोग कहीं आराम से बैठेंगे वहाँ पे बेडशीट वगैरह बिछा के, और उसके बाद हम लोग वहाँ पे थोड़ा इंजॉय करेंगे। तो हम अभी वेट कर रहे थे दूसरी कार का, मेरे ब्रदर वगैरह अभी पेट्रोल डलवाने गए हैं पीछे, तो मम्मी पापा हमारे साथ बैठे हुए हैं, सैमी अपने मामू के साथ और मामी वगैरह के साथ बैठी हुई है, छोटा बेबी भी वहीं पे है। और दूसरी चीज़ ये थी ना गाइस कि अभी फुल डे हम खजियार में स्पेंड करेंगे। डबूर मेक्शू को हमने अर्ली मॉर्निंग, मेरे हबी जिससे आपको पता ही है कि वहाँ पे भी उनकी ड्यूटी रहती है 5 बजे उठ के उनको घुमाना फिराना और ये सारी चीज़ें, तो डबूर मेक्शू तो आज मॉर्निंग वॉक पूरी जंगल में करके आ गए थे गाइस, है ना। और ये घुमा के लाए, काफ़ी थका के लाए थे उनको, और आज बहुत अच्छी वॉक होगी उनकी। मैं तो सो रही थी, मैंने सोचा कि चलो यार मैं सो जाती हूँ थोड़ी देर के लिए और आराम से उठती हूँ। फिर प्लान तो हमारा निकलने का था, पैकिंग वैकिंग हो गई थी, बस मैंने शॉवर लिया था, उतने में फिर हमारा रुकने का प्लान बन गया और हम रुक गए। फिर क्या हुआ गाइस कि डब्बू मैक्शू तो अब घर पर हैं, उनके लिए फ़ैन ऑन करके आ गए हैं, लाइट्स ऑन कर दिए हैं, और अब गाइस जब वो मैच शुरू तो करेंगे पूरा वाला रेस्ट, क्योंकि आज सुबह से वो 5 बजे से जागे हुए हैं और उनकी नींद पूरी हुई है। तो जब तक हम लोग वापस आएंगे ना, वो अपनी पूरी नींद पूरी करेंगे, देन उसके बाद हम लोग पहुंच जाएंगे घर। उनके लिए पानी रखती है, खाना रखती है, मॉर्निंग का खाना उनको हाथ से खिला के आ गए हैं, क्योंकि उनको पता चल जाता है जब हम लोग जाने वाले होते हैं। पहले हम लोगों का प्लान बना ऐसे कि ऐसे करते हैं, डबू और मैक्शू को भी साथ में ले जाते हैं, लेकिन दिक्कत ये आती है ना, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमको ले, लेकिन जो टूरिस्ट आया होता है ना, कई लोग डरते हैं, जैसे पार्किंग करनी होती है कार की, पार्किंग से डॉग्स को उतारो, देन उसके बाद डॉग्स को उतारने के बाद पार्किंग से अंदर ग्राउंड में लेके जाओ, फिर अच्छी सी जगह देख के आपको बैठना पड़ता है ना। तो वो उतनी देर में क्या होता है, वहाँ पे हॉर्स भी होते हैं और दूसरे एनिमल्स भी होते हैं, हॉर्सेस वगैरह और ये वो सारे, है ना, और जिससे कि डॉग को देख के मोस्टली डर जाते हैं, है ना। तो हमें लग रहा था कि किसी को, वैसे हमारे डब्बू मैक्सू बहुत शरीफ बच्चे हैं, कभी किसी को कुछ नहीं बोलते, हैं ना, लेकिन हम नहीं चाहते कि किसी को अनकंफर्टेबल फील हो, हमारी वजह से कोई अनकंफर्टेबल फील करे। तो यही रीज़न था कि हमने डब्बू मैक्सू को घर पे ही छोड़ दिया था। चलो मैं आपको जंगल का व्यू, आप पूरा ब्लॉग देखना और वीडियो में क्या क्या होता है वो मैं आपको आगे, ये देखो गाइस फ्लावर्स। और अभी तो हम बिल्कुल पनी खेत के साथ ही हैं, गाड़ी हमारी वो खड़ी हुई है, और अभी हम यहाँ वेट कर रहे थे, शेड में पार्क कर दी थी। अभी धूप है, लेकिन जैसे कि मॉनसून स्टार्ट हो गया थोड़ा थोड़ा, तो शाम आते आते ना बारिश शुरू हो जाती है, तो जब तक हम लोग वहाँ पहुँचेंगे क्या पता वेदर कैसा हो जाए, है ना, क्योंकि बारिश तो आजकल हो ही जा रही है एक दिन छोड़ के फिलहाल।
तो गाइस आई होप आपने ये रास्ता इंजॉय किया होगा। कितना ब्यूटीफुल था ना, जंगल के एकदम बीचों बीच से इतने सुंदर रास्ते से हम जा रहे हैं अभी काला टॉप नहीं खजियार। और काला टॉप तो हम जाके आ गए थे, वो मेरे प्रीवियस व्लॉग्स में आपको देखने को मिल जाएगा। और अगर आप फर्स्ट टाइम ये व्लॉग देख रहे हो, मेरा चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, मुझे मोटिवेशन मिलेगी। और ये लास्ट डे है आज हमारा, क्योंकि इसके बाद हम जा रहे हैं वापस घर, क्योंकि हॉलीडेज़ हो चुकी हैं फिनिश और स्कूल भी स्टार्ट होने वाले हैं। तो मैंने सोचा कि चलो आपको, हम फैमिली तो जा ही रही थी, तो मुझे लगा कि चलो एक छोटा सा व्लॉग भी बना देती हूँ और आपको सुंदर सुंदर ये वादियाँ भी दिखा देती हूँ। और सच में ये तो मेरी फेवरेट जगह है, और आप देख सकते हो आसपास कितनी ज़्यादा ग्रीनरी है ना। और ग्रीनरी इन ट्रीज़ की वजह से है, जो इतने लॉन्ग लॉन्ग ट्रीज़ आपको दिख रहे हैं ना, कितना ब्यूटीफुल वैली है। और बस हम लोग जा रहे थे और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था रास्ते में। तो चलो गाइस व्लॉग को एंजॉय करो, मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी। अभी हम जैसे तैसे करके पहुंच गए हैं खजियार। हम बहुत ज़्यादा ट्रैफिक में फंस गए थे, पार्किंग का भी की भी जगह नहीं मिल रही थी यहाँ पे, आप देख सकते हो। और वेदर कितना प्लेजेंट है, बारिश हो रही थी अभी बहुत ज़्यादा रास्ते में, लेकिन अभी रुक गई है और अभी नहीं होनी चाहिए थोड़ी देर, क्योंकि अभी घूमना भी है और क्राउड भी काफ़ी ज़्यादा है। और ये खजियार लेक है, ये है हमारा मिनी स्विट्ज़रलैंड। गाइस अभी कार पार्क तो हो गई थी ना, और अभी हम लोग वैसे खाना वाना पैक करके लाए हैं, आज हम पिकनिक के मूड से आए थे, लेकिन नीचे ग्रास बहुत ज़्यादा गीला है, तो हमने ब्लैंकेट और बेडशीट उसमें ही छोड़ दिए हैं। और मुझे ठंड भी लग रही है, क्योंकि मैं तो देख लो आप हाफ स्लीव्स पहन के आई हूँ। लेकिन अभी हमने सोचा कुछ चाट वाट खा लेते हैं, क्योंकि ना चटपटा सा खाने का मन करता है जब ऐसे बारिश बारिश होती है तो, है ना। आप लोगों का मन करता है चटपटा खाने का मेरी तरह? मेरे को स्पाइसी, मतलब स्पाइसी रेड चिल्ली मैं बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ पाउडर्ड, लेकिन मुझे ग्रीन चिल्ली वाला। सनलाइट आ रही है, धूप इतनी अच्छी लग रही है अभी तो। पहले हम ना हम पुलाव वगैरह बना के लाए हैं घर से, तो अभी बस थोड़ी देर बाद धीरे धीरे खाएँगे। की बनाओ खट्टी मीठी? हाँ जी, हाँ जी खट्टी खट्टी। हाँ जी नींबू वगैरह मम्मी जो दे लियो, मम्मी पत्ता छोटू जो को जगह रोकने का। तो गाइस नीचे तो सारा वेट हुआ पड़ा है, अब हम लोग वहीं बैठेंगे स्टूल्स वगैरह पे। मुझे इतनी ठंड लगी कि मैंने ना बेबी का इप्शू का ये ले लिया ब्लैंकेट, मिंक ब्लैंकेट छोटा वाला कवर अप करने के लिए, क्योंकि यहाँ सच में बहुत ठंड है। बारिश भी फिर से शुरू हो गया यार, सारा मूड ऑफ हो गया। अभी तो हमने खाना पीना शुरू किया था, ये देखो सारे लोग, हमने चाट बनवाई थी यहाँ पे और बस खाना पीना शुरू किया था। बारिश रुक जाए यार अभी, क्योंकि थंडरिंग भी बहुत ज़ोर की हो रही है बीच बीच में।
लेकिन मैं तो भाई अच्छा हुआ ये डबल डबल लेके आ गए बेबी का। तो ये उठ गया हूं मैं। चावल चूवल पीछे सर्व कर लेंदे पांच तले ही पे थे बजने करते 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 है ना। हां बच्चे उठाओ नहीं उठाओ बच्चे इन्हें वाला ऑडियो हल्का। हां जी कैसे हो तेरा चो तेरे बताया तो गाइज मैं ज्यादा वीडियो नहीं बना सकी यार क्योंकि ना बारिश एकदम से शुरू हो गई थी और फिर हम लोग बस कुछ कुछ मंचिंग करते रहे थोड़ा बहुत खाते पीते रहे। घर से हम खाना वाना बना के लाए थे लेकिन फिर मतलब इंजॉय करते करते लेट हो गया और 5 बज गए थे और 5 बजे के आसपास हमने कार में ही बैठ के हमें वो पिकनिक मनानी पड़ी अपनी। हमने अभी इस टाइम धूप थोड़ी सी निकल आई थी लेकिन जब हमारा लंच वगैरह हो गया था हमने कार में सारा पैक कर दिया था। बस खा पी के हम लोगों ने सोचा कि चलो अब घर चलते हैं। उतनी देर में बारिश रुक गई फिर हम आ गए और इधर यहाँ कुछ हम फिर से मंचिंग करने लग गए थे। बस हंसी मजाक कर रहे थे बातें कर रहे थे। मम्मी पापा वगैरह और छोटा बेबी कार में बैठे हुए थे उनको नहीं लेके आए क्योंकि अगर उनको लेके आते तो पता नहीं था सडन बारिश एकदम से स्टार्ट हो जा रही थी। तो हम यहाँ पे ढाबे वाली चपाती और दाल एंजॉय कर रहे थे ऐसे खड़े खड़े। हमने कहा चलो थोड़ा सा ऐसे ही फन यार। आज हमारी पिकनिक ना कार में हो गई बारिश ही नहीं रुकी यार पूरा घूम ही नहीं पाए यार हम लोग पर थोड़ा सा ही घूमे फिर ना ड्रिजलिंग ही हो जा रही थी। पहले तो बहुत तेज़ बारिश शुरू हुई छोटा बेबी भी था फिर हम कार में बैठ गए वहीं पे बैठ के खाया पिया वहीं पे हमने जो घर से बना के लेके गए थे वहीं बैठ के खाया। अब हम आ गए हैं वापस जा रहे हैं घर की तरफ तो एक डेस्टिनेशन है वहाँ चाय पीने तो यहाँ पर रुके हैं हम गाइस टाउन के पास। ये बहुत सुंदर लोकेशन है यहाँ की मेरी फेवरेट है यहाँ पर सबसे बेस्ट लोकेशन लगती है। सामने हिल टॉप स्कूल है और वो पूरा माउंटेन और यहाँ से नीचे वैली दिखती है बहुत ज़्यादा सुंदर है ब्यूटीफुल है। तो फील चाहे तो क्या मतलब स्टमक पूरा फुल हुआ पड़ा था लेकिन फील होता है ना एक जगह का वो लेने का मन करता है मेरे को। हाँ मैं ये देखो वैली कितनी ब्यूटीफुल है। को सनसेट व्यू भी दिखा देती हूँ। ये वाले जो वैली है यहाँ से आपको मैं इसकी ब्यूटी दिखा रही हूँ कितनी सुंदर है ना कितनी ब्यूटीफुल है। मैं बहुत बार अपनी वीडियोस में ये वाली वैली को डाल चुकी हूँ और वो देख सकते हो आप सनसेट हो रहा है और अभी हम गरम गरम चाय पियेंगे यहाँ रुक के। तो मैं चाहती थी आप लोगों को भी मैं दिखाऊँ अपनी आंखों से जो मैं ब्यूटी देख रही हूँ। यहाँ पे मेरी चाय आ चुकी है गरम गरम और चाय का फील मैं लूँगी इस सनसेट के साथ और इस वैली के साथ।
घर पहुंच गए थे, थारे थके हुए थे। फिर हमने क्या किया, चाय वगैरह पी सबने, और यहाँ पे हमने आते ही बना दिया चंबा का फेमस राजमा का मदरा, क्योंकि आज हमारा लास्ट डे है। और हम तो सुबह जा रहे थे, लेकिन हमारी किस्मत में लिखा था राजमा का मदरा खाना, तो हम बना दिया। मैंने इस बार आके खाया भी नहीं था। और यहाँ पे फिर ग्रेवी वाले राजमा भी बन रहे हैं, इसमें राइस बन रहे हैं, तो आज राजमा खाएंगे हम। पर मदरा तो मैं जाते जाते खा के जाऊँगी यार, बहुत टेस्टी होता है ये स्पेशल चंबियाली मदरा बोलते हैं। सिम कर जी गाइस, बस अभी हम सब लोगों ने डिनर वगैरह किया था, पूरे दिन के हम लोग थके हुए थे, तो कुछ आज इस तरह से हमारा दिन रहा। हम लोग सुबह निकल गए थे पिकनिक के लिए, आपने देखा होगा, और मैंने आपको रास्ते में सुंदर सुंदर व्यू दिखाए, अच्छी अच्छी वैलीज दिखाई। और आज मतलब हॉलीडे का लास्ट डे था, थोड़ा सा इमोशनल भी फील हो रहा था कि यार हॉलीडेज़ फिनिश हो गई हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हर साल आती हैं हॉलीडेज़। बस ये है कि अब सेमी भी बड़ी हो रही है, उसके बोर्ड के एग्ज़ाम्स इस ईयर, और बस अपने नानी के घर वो हॉलीडेज़ मनाने के लिए आई हुई थी, और हम लोगों ने बस बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। मतलब गोवा में भी इन्जॉय किया, उसके बाद मैंने अपने घर में इन्जॉय किया, इसी तरह से हमारी हॉलीडेज़ बहुत अच्छी रही। और अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो चैनल में जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, लॉट्स ऑफ लव।